आपने काफी बड़ी गंभीरता से चलाया था, काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज इस आंदोलन की सफलता के उपरांत आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? जरूर ये एक खुश नसीब हम मानते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण समय में हम इस पीढ़ी में यहाँ पे जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी सारे इस तेलंगाना के युद्ध का जो एक एपी सेंटर है, हम यहाँ के छात्र हैं, हम बहुत खुश नसीब मानते हैं। और जिस तरह से सारे सीमांध्रा के सांसद जो तेलंगाना को रोकना चाहते थे, जो बहुत सारे अप्रजास्वामिक और लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे, आज तेलंगाना हासिल हुआ है। हजारों छात्र के ऊपर आज उन्होंने तेलंगाना के लिए आत्म बलिदान दिए, आज उन सारों का सपना आज सफल हुआ, तेलंगाना हासिल हुआ। आने वाला कल के तेलंगाना में भी युवाओं का जरूर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। किस तरह से हम तेलंगाना को फिर से डेवलप करेंगे, जिस तरह से उन्होंने लूट किया है, सीमांध्रा के नेताओं ने यहाँ का लूट किया है, उस सबको बचाकर यहाँ पे एक युवा तेलंगाना को निर्माण करने में हमारा एक स्थान होगा। ये बताइए कि उस समय जो आंदोलन हुआ उसमें छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, पुलिस काफी दिन तक इस कैंपस परिसर में रही, उस समय का नजारा क्या था? उस समय का एक युद्ध का नजारा था, जिस तरह से पुलिस का कैंपिंग यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। हमें हमारे मेस बंद किए गए थे, हमारे जो कक्षाएं थे वो भी बंद किए गए थे, यहाँ पे विद्युत को बंद किया गया था, बच्चों को मारा गया था, महिलाओं को भी मारा गया था, गाली गलौज या लाठी चार्ज, गोला बारूद, ये सब कुछ हमको सहना पड़ा। बहुत सारों के ऊपर 150 या 200 केस भी लगाए गए थे, जेल को भी भिजाया गया था, पर उस सब जो हमने कठिनाई उस दिन बर्दाश्त किए, आज उसका सफलता हमें दिख रहा है। तेलंगाना आने वाला है और जिस तरह से इस कठोर परिश्रम के बाद तेलंगाना आ रहा है, हमें बहुत खुश है कि तेलंगाना हम सब छात्रों का, तेलंगाना के सारे छात्रों का और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिस तरह से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी तेलंगाना के राष्ट्र के लिए है। नए राज्य के निर्माण के अवसर पर छात्रों की क्या अपेक्षाएं हैं? अगर देखेंगे कि 2009 से जिस तरह से एक दूसरी दशा की तेलंगाना का संघर्ष शुरू हुआ, ये हैदराबाद फ्री जोन नहीं है, हैदराबाद भी तेलंगाना का एक स्थान है। अगर आज जिस तरह से अमेंडमेंट्स आए गए हैं, अमेंडमेंट्स में हैदराबाद को फिर बंटवारा उन्होंने सीधा नहीं किया है कि सीमांध्रा और तेलंगाना के लोगों को मिलके यहाँ पे रहना चाहिए, पर जिस तरह से ये समय के आंध्र प्रदेश का ये एक मूवमेंट आया, एक नारा आया, इसने बहुत सारे तनाव पैदा किए कि आज तेलंगाना और सीमांध्रा के लोग मिल नहीं रह सकते। अभी भी सीमांध्रा के नेताओं को जानना चाहिए कि वहाँ पे सीमांध्रा के राष्ट्र को उनको विकास के मार्ग में लेना चाहिए, तभी यहाँ पे तेलंगाना के छात्रों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा और नौकरियाँ मिलेंगे यहाँ पे। हमें भी यहाँ पे तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने स्टेटस क्वो किया है, हम उनसे मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ये स्टेटस क्वो को निकालना चाहिए और तेलंगाना के युवाओं को जो आज तेलंगाना हासिल आने के बाद, तेलंगाना हासिल होने के बाद जिस तरह से वो लोग सोच रहे हैं कि नौकरियां मिलेंगे, उस नौकरी के लिए वो हकदार होंगे। और GO-16 जो सीमांध्रा के लोग यहां पे इलीगल तरह से यहां पे नौकरी कर रहे हैं, उनको भी यहां से बिठाना चाहिए और तेलंगाना के युवाओं को उन नौकरियों में बिठाना चाहिए। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का ये संघर्ष, वो सीमांध्रा के प्रांत के कैपिटलिस्ट और वहाँ के नेताओं ने इस मुद्दे को निकाला है, और जिस तरह से तेलंगाना के लोग और हैदराबादी के लोग और सीमांध्रा के लोग के बीच में एक तनाव सा पैदा हुआ है, एक पॉलिटिकल एक इमोशनल डिवाइड आया है, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि हमने तेलंगाना एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के लिए और स्पेशली एक सेल्फ रेस्पेक्ट, जो आत्मगौरव और स्वयं परिपालन के लिए हमने डिमांड किया है, पर जिस तरह से इस राजनीति ने इस मुद्दे को बदला है कि लोगों के बीच में एक तनाव सा आया है। अगर अभी भी ये कंटिन्यू हुआ, ये यूनाइटेड आंध्र प्रदेश कल के 10 साल जो जॉइंट कैपिटल हैदराबाद का ये लोग प्रस्ताव लगा रहे, ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि सीमांध्रा वालों को भी समझना चाहिए कि अभी तेलंगाना का राष्ट्र आ रहा है और उनको भी हमारे साथ रहना है, अगर हमारे खिलाफ रहेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा हैदराबाद। ये डर का माहौल, मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ क्यों नहीं चल रही, दुकानें क्यों नहीं? क्योंकि अभी तेलंगाना राष्ट्र तो आ गया है, सब त्यौहार मना रहे, और जो अगर डर रहे हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि सीमांध्रा और तेलंगाना ये एक नया राष्ट्र है, दो नए राष्ट्र आ रहे हैं, एक सीमांध्रा है, एक तेलंगाना है, तो ये दो मिलके दो, क्योंकि तेलुगु बात करने वाले दो भाइयों के तरह रहेंगे, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वैसे राजनीति को हरा दो, आने वाले 2014 जो चुनाव है उनको हरा दो। हम उनको कह रहे हैं कि हम सारे भाई भाई के तरह रहेंगे, पर अगर अभी भी वो हमारे साथ खिलाफ है तो वो डर कायम रहे। पूरा दुकान होगा।